तो आइए दोस्तों, आज मिलते हैं फिर एक नए और एक नए अंदाज में। जैसे कि मैं हर वक्त आपको क्रिकेट ग्राफ के ग्रास रूट के प्लेयर लोग से मिलाता हूँ, प्लेयर लोग के परफॉर्मेंस के ग्राउंड पे कैसा चलता है, बट एक सबसे बड़ी चीज होती है कि एक उनके पीछे भी एक बंदा होता है, जैसे कोच होते हैं तो एक सबसे बड़ी अहमियत होती है, एक बड़ा इंसान होता है उसके पीछे, जिसका मैं आज इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। डॉक्टर भूषण पाटिल सर, जो DY पाटिल के हेड ऑफ द मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के है, ऑर्थोस्कोपी में माहिर है, स्पोर्ट्स इंजरी में माहिर है, और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि एक खुद अच्छे क्रिकेटर है, तो एक अच्छा क्रिकेटर है वो अच्छा डॉक्टर है और स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जानता है। तो आइए आज मिलते हैं भूषण पाटिल सर से और जानते हैं उनके बारे में। सर, मैं आपका क्रिकेट ग्राफ की तरफ से और हमारे जो हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम भूषण सर। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं क्रिकेट ग्राफ ने जो एक्टिविटी शुरू किया है उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जलाल सर, आपको थैंक यू सो मच, बिकॉज ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तरीका है लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक्सपीरियंस है, उनके साथ शेयर होते हैं और उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए थैंक यू सो मच सर। सर, एक मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट भी खेल चुके हैं, एक अच्छा क्रिकेट खेले हो, आप कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हो, देन साथ में फिर अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन जो DY पाटिल क्रिकेट एकेडमी, बड़ा काफ़ी नाम है DY पाटिल सर का, और उनकी खुद की क्रिकेट की अपनी टीम है, उनका स्टेडियम है, आप वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, IPL के आप डॉक्टर रह चुके हैं, आपके बारे में काफ़ी है, मैं तो बताते रहूँगा मगर आपके मुँह से मैं सब जानना चाहता हूँ। और मैं सर आपको पहला बाउंसर देता हूँ मैं क्या बिल्कुल एक पहला बाउंसर है मेरा, क्या आपका इंजरी के बारे में क्या अनुभव है और कॉमन इंजरी क्या होती है सर? ऐसा है कि क्रिकेट इंजरीज जैसे आप देखे जाओगे तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक में। एक्यूट मतलब क्या होता है कि जैसे फील्ड पे किसी को चोट लगती है, कोई शोल्डर पे गिर जाता है, कोई हेड इंजरी हो जाता है, अभी हेड इंजरी में उसको कंकशन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट IPL में आपको याद होगा कि मोहम्मद कैफ को बहुत बड़ी चोट लगी थी, वो कामरान अकमल के साथ उसका इम्पैक्ट एक ये हो गया था, टकरा गया था, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिजीनेस हो गया था, चक्कर आ गई थी उसको, फिर मेडिकल रूम में लाया गया था, तो हम लोग पूरा मेडिकल टीम हमारा पूरा रेडी था उसको ट्रीट करने के लिए। हमने उसको पहले एनालाइज किया कि उसका स्टेट कॉन्शियसनेस का स्टेट क्या है, वो बात कर सकता है कि नहीं, फिर उसको विजन अच्छा है कि नहीं, स्पीच अच्छा है कि नहीं, ये सब ये एक्यूट इंजरी में देखना पड़ता है, स्पेशली हेड इंजरी है कि वो कितना सीवियर है वो देखने के लिए। सो यूजुअली हम कोई भी इंजरी कैटेगराइज करते हैं तो माइनर और मेजर में करते हैं। अगर माइनर है और वो कॉन्शियस है, मतलब वो अगर समझ सकता है बातें और वो रिस्पॉन्ड करता है अच्छा, उसको इतना सिम्टम्स नहीं आ रहे या साइंस कुछ मेजर इंजरी के नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है, और उसके केस में हमने फिर उसको थोड़ा क्लिनिकली एग्जामिनेशन करके उसको थोड़ा सेटल होने दिया और तुरंत सिटी स्कैन करके लिया, तो सिटी स्कैन में कुछ मेजर इंजरी नहीं था। तो हर बार जब भी हेड इंजरी नेक इंजरी होती है तो हमारा अप्रोच थोड़ा सीरियस होता है, सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए बाद में अगर वो खेलना कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये एक एक्सपीरियंस, एक इंसिडेंस हो गया। तो हेड इंजरी हो सकती है सर्वाइकल स्पाइन में, जैसे नेक के बोन, हेड और नेक इंजरीज रहते हैं वो एकदम सीवियर, मतलब उसको काफ़ी सीरियसली या सिस्टमेटिकली एनालाइज करना पड़ता है। और उसके बाद एक्यूट इंजरीज में आप शोल्डर को देखना, मतलब आप देखोगे तो उसमें शोल्डर इंजरीज में शोल्डर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन, जैसे कोई गिर गया या पहले का कुछ इंजरी रहेगा तो वो शोल्डर सडनली बॉल, शोल्डर मतलब क्या होता है कि इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, तो वो जो बॉल होता है वो सॉकेट से निकल जाता है, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। देन शोल्डर में रिपीटेड इंजुरीज, अभी हम जैसे बोला कि मैंने बोला कि एक्यूट इंजुरी मतलब ऑन फील्ड या फिर नेट में प्रैक्टिस करते समय या किसी को भी कभी भी मतलब गिर गया या चोट लगी तो ये इसको हम एक्यूट इंजुरी बोलते हैं।
और क्रॉनिक मतलब क्या होता है, ओवर यूज, मतलब रिपीटेड यूज होने के कारण, जैसे वेयर एंड टेयर बोलते हैं या हमारे लैंग्वेज में डीजनरेशन बोलते हैं, मतलब वो टिश्यू का घिसाव होने की वजह से वो इंजुरी हो जाता है। जैसे शोल्डर में बहुत कॉमन है, शोल्डर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट रहता है, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सिस्टमेटिकली उसको क्लिनिकली देखना पड़ता है। और ये ज़्यादा कॉमन है बॉलर्स में, स्पेशली फास्ट बॉलर्स में, थ्रोइंग एक्शन की वजह से। तो शोल्डर में नॉन स्पेसिफिक पेन बोलते हैं, मतलब बहुत बार क्या होता है कि जो क्रिकेटर है वो बता नहीं पाता एग्जैक्टली कहाँ पे पेन है, वो बताते हैं कि नॉन यहाँ पे पेन होता है। और मतलब उसका थ्रोइंग थोड़ा वीक हो गया है, स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, ये ज्यादा कॉमन है, मतलब क्रॉनिक और ओवर यूज प्रॉब्लम शोल्डर में ज्यादा कॉमन है। और उसके लिए रीजन क्या होता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ थ्रोइंग एक्शन या बॉलिंग की वजह से अपना रोटेशन क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, मतलब एक शोल्डर का रिदम चेंज हो जाता है, रिदम खराब हो जाता है। और यूजुअली क्या होता है क्रिकेटर्स में या एनी स्पोर्ट्समैन में मसल स्ट्रेंथ अच्छा ही रहता है, क्योंकि वो बहुत सिंसियरली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन इम्बैलेंस ज्यादा होता है। मतलब क्या, जो पीछे वाले मसल्स रहते हैं उसको हम एक्सटर्नल रोटेटर्स बोलते हैं, हाँ, तो वो थोड़े वीक हो जाते हैं कंपैरिजन से फ्रंट वाले जो मसल्स है, वो फ्रंट वाला मसल ग्रुप और पीछे वाला बैक साइड वाला मसल ग्रुप, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। और शोल्डर का पीछे के जो कैप्सूल है, शोल्डर जो बॉल एंड सॉकेट, वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसको हम रोटेशन डेफिसिट बोलते हैं। तो ये माइनर चेंजेस, सॉरी ये जो चेंजेस है, मतलब ये जो ओवर द पीरियड होने वाले जो चेंजेस है शोल्डर में, वो क्या होता है कि वो उसकी वजह से शोल्डर का रिदम खराब हो जाता है। कोई भी इंजुरी होता है तो हम बेसिक उसमें डिविजन करते हैं सॉफ्ट टिश्यू और बोन में। सॉफ्ट टिश्यू मतलब जो मसल है, टेंडन है या लिगामेंट्स है, इसको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। और बोन, बोनी मतलब बोन में भी हो सकता है और जॉइंट में भी हो सकता है। सो सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन एंड जॉइंट, ऐसा दो डिवीजन हम बेसिक करते हैं। अभी उसमें ग्रेडिंग्स भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रेड वन टेयर हो गया, ग्रेड टू टेयर हो गया। मतलब क्या होता है कि ग्रेड वन इतना ही बेसिक हम याद रखेंगे आज की, ग्रेड वन और ग्रेड टू माइनर इंजुरीज में हम बोलते हैं, और ग्रेड थ्री जो बोलते हैं वो सीवियर इंजुरी होता है। और ग्रेड वन और ग्रेड टू इंजुरीज मतलब क्या होता है कि ग्रेड वन में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है टिश्यू पे, वो मसल है, टेंडन है या फिर लिगामेंट है, स्ट्रेन आ जाता है। ग्रेड टू मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा पार्शल टेयर, पार्शल फट जाता है, पूरा नहीं फटता है, पार्शल फट जाता है, थोड़ा सा फट जाता है। और ग्रेड थ्री मतलब वो जो लिगामेंट या जो कुछ टेंडन है वो पूरा फट जाता है। सो ऐसे ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेड वन और ग्रेड टू माइनर इंजुरीज में बोल सकते हैं, और ग्रेड थ्री इज सीवियर इंजुरी होता है। सो ग्रेड वन ग्रेड टू के लिए यूजुअली जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या फिर प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ग्रेड थ्री मतलब थोड़ा सीरियस इंजुरी होता है, और ग्रेड थ्री इंजुरी अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ग्रेड थ्री स्पेशली ग्रेड वन ग्रेड टू इंजुरीज फिजियो मैनेज कर सकता है, लेकिन ग्रेड थ्री इंजुरी अगर है तो थोड़ी सीरियस रहती है, उसके लिए क्लिनिकली एग्जामिनेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, और तभी ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स इंजुरी स्पेशलिस्ट के पास जाना जाना जरूरी होता है। मेन बात होती है कि फास्ट बॉलर में ये कॉमन इंजुरी होती है सर, तो ये फास्ट बॉलर में इंजुरी होती है ज्यादा? यस सर, फास्ट बॉलर में जैसे नी का है आपका, शोल्डर का है। यस सर, फास्ट बॉलिंग इसमें बहुत फोर्सेस लगते हैं, शोल्डर में, लो बैक में, एब्डोमेन पे, हिप पे, नी पे, बहुत फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेनस रहता है, बिकॉज वो स्प्रिंट भी है उसमें, बॉलिंग एक्शन भी है और ट्विस्टिंग भी होता है। बैक में ज्यादा फोर्सेस आते हैं क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बेंड करना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, तो शोल्डर प्रॉब्लम किसी भी थ्रोअर को होता है लेकिन फास्ट बॉलर्स को होते हैं। और बैक पेन, एब्डोमिनल स्ट्रेन्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे नी इंजुरीज है, लिगामेंट इंजुरीज, एंकल में एंकल स्प्रेन बहुत कॉमन है। तो बेसिक प्रॉब्लम आप देखने जाएंगे शोल्डर में तो फास्ट बॉलर्स में अगेन सेम कि डिसलोकेशन, मतलब ये अंदर का एक जॉइंट में जो क्लेब्रम करके एक टिश्यू रहता है उसको ओवर द पीरियड थोड़ा टेयर होने का चांस होता है। फिर टेंडिनाइटिस, जैसे मैंने बोला कि टेंडिन मतलब ग्रेड वन ग्रेड टू इंजुरीज वेरी कॉमन होते हैं, और उसके लिए एक ही रीजन होता है बेसिकली, शोल्डर का रिदम खराब हो जाता है। तो हमको वो रिदम क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कोई भी हम रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल हम प्लान करते हैं तो प्रॉब्लम्स आर 1 2 3 और सॉल्यूशन इज 1 2 3,
3। तो फास्ट बॉलर्स में ज्यादा करके शोल्डर इंजुरीज, शोल्डर प्रॉब्लम्स, देन लोअर स्पाइन इंजुरी। जैसे आपको पता है कि अभी अपने दो अच्छे क्रिकेटर है, एकदम ब्रिलियंट टैलेंटेड प्लेयर है, जैसे जसप्रीत बुमराह और बुमराह। हार्दिक पांड्या, ये जो अपने एकदम प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स है, और दोनों को भी स्पाइन प्रॉब्लम हो चुका है रिसेंटली। जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था लोअर स्पाइन में, और उसकी वजह से उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक रेस्ट लेना पड़ा। और हार्दिक पांड्या का तो सर्जरी हो चुका है, सबको पता है, वो लोअर स्पाइन में उसको थोड़ा इंस्टेबिलिटी था स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से, और उसके लिए उसको स्पाइन का सर्जरी भी करके लेना पड़ा। और देखेंगे हम उनकी एज कितनी यंग एज है, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस आता है लोअर स्पाइन पे। और आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन देखेंगे, और एक चीज मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा सर, बॉलिंग एक्शन में क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो अगर सीधा गिरता है, नी स्ट्रेट के पोजिशन में अगर लैंड होता है, जैसे राइट आर्म जी बॉलर है उसका जी लेफ्ट नी लेफ्ट लेग स्ट्रेट गिरता है, तो बॉलिंग एक्शन मतलब बॉलिंग फास्ट बॉल स्पीड से फेंकने के लिए फायदा होता है, बट जी उनके स्पाइन पे बहुत लोड आता है। जैसे जी जैसे जसप्रीत बुमराह हो, या फिर और जो यंग प्रॉमिसिंग है क्रिकेटर्स, जैसे नए बॉलर्स है जो नी स्ट्रेट की बॉलिंग एक्शन से डालते हैं, तो उनको उनपे क्या होता है कि लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन आता है, तो उसकी वजह से उनको ओवर द पीरियड स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस रिएक्शन, ये बढ़ जाता है, और बैक पेन धीरे धीरे उनका बढ़ने लगता है। सर, ये आपने बात की, मैं एक के बारे में मेरा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सब क्रिकेटर बोलते हैं कि कोर स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ यस सर, तो ये कोर क्या चीज़ है, ये बच्चे लोगों को आसानी से बता सकते हैं, व्हाट इज द कोर? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कोर मसल्स मतलब अपने एब्डोमिनल मसल्स जो रहते हैं उसको हम कोर मसल्स बोलते हैं। कोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना जो एक्टिविटी होता है, जो अपना कोई भी एक्टिविटी हो, थ्रोइंग हो, या इवन रनिंग हो, या बॉल किक करना हो, या फिर बैडमिंटन में शटल को हिट करना हो, कोई भी एक्शन, टेनिस में सर्व करना हो, तो अपना जो एक्शन होता है उसका जनरेशन होता है कोर मसल से, मतलब एब्डोमिनल मसल से। सो कोर मसल्स में उसमें अंदर के इनर और आउटर ऐसे दो ग्रुप्स रहते हैं, और वो कोर अपना जो है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, रॉजर फेडरर में ने जब भी उसका ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था, तो उसने बोला कि मेरा एक्सरसाइज में 75% ऑफ द टाइम वाज ओनली ऑन कोर स्ट्रेंथनिंग, मतलब वो कोर पे इतना उसने काम किया है अपने कि सिर्फ कोर का एक्सरसाइज, 75% ऑफ द टाइम वो कोर का ही एक्सरसाइज कर रहा था उसके लाइफ में आज तक। तो कोर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और कोर से ये तो फायदा होता है कि अपना स्टेबिलिटी बढ़ता है, बैलेंस बॉडी का अच्छा हो जाता है, लेकिन और भी फायदे हैं, जैसे इंजुरी प्रिवेंशन। कोर की वजह से अगर कोर आपका वीक है तो आपका थ्रो भी अच्छा नहीं जाने वाला है, आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपका बॉल भी स्पीड से नहीं जाने वाला है। देन नी को इंजुरीज, जैसे घुटने में लिगामेंट इंजुरीज होते हैं नी में, या फिर एंकल स्प्रेन्स, ये सब का प्रोबेबिलिटी और इंजुरी होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए कोर का स्ट्रेंथनिंग करना। बट बेसिकली आई से कोर का स्ट्रेंथनिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब बैलेंस के लिए जो उसका एक फंक्शन है, उसका यूज है, वो ज्यादा जरूरी है, और कोर स्टेबिलिटी का एक्सरसाइज करना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, इसमें आपने बताया कि जैसे कि फास्ट बॉलर के बारे में क्या बैक इंजरी हो जाती है, मसल्स उनके जो मींस टेयर हो जाते हैं, तो यस सर, एक अभी इस बारे में जो नया टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोगों ने सर बायोमैकेनिक्स करके एक लॉन्च किया, बायोमैकेनिक्स टेक्नोलॉजी आई है, सर मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि बायोमैकेनिक्स क्या है। बच्चे लोगों को काफ़ी कुछ भी होते हैं बोलते, जैसे हमारे कोचेस पार्ट में आता है कि ये बायोमैकेनिक्स में आपका ये होना चाहिए, जैसे बॉडी बैलेंस, स्टेबिलिटी, जैसे बताया आपने फास्ट बॉलर का बताया क्या फ्रंट फुट उसका लैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसके बारे में उसका बॉडी का रिदम फॉलो थ्रू, तो ये सब चीज़ें आती है बायोमैकेनिक्स में सर, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। सर बायोमैकेनिक्स मतलब क्या होता है, अभी हम उसको एक्सेस करना है, हमको बायोमैकेनिक्स को, तो उसके लिए 2 वेज रहते हैं,
दो तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकली फिजिकली, मतलब आपके सामने कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आपको उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसका वीडियो ले सकते हो, आप रिपीटेडली स्लो मोशन करके उसको देख सकते हो। और दूसरा एक वे है, जैसे वो लेबोरेटरी में होता है, जैसे लेबोरेटरी मतलब एक एक चैम्बर रहता है, एक रूम रहता है जिसमें वीडियो कैमरेज अलग अलग डायमेंशंस में लगाए रहते हैं, अलग अलग एंगल्स में, और वहाँ पे वो बॉलर बॉलिंग एक्शन करता है पूरी उसकी, और फिर उसका रनअप, उसका रनिंग स्टाइल, उसका जंप, उसका बॉडी का मतलब लेफ्ट फुट का लैंडिंग, इफ इज राइट हैंडेड बॉलर उसका लेफ्ट फुट का लैंडिंग कैसे होता है, लेफ्ट लेफ्ट लेग का, देन बॉडी का रोटेशन कैसे होता है। आपको पता है सर कि बॉलिंग एक्शंस मतलब अलग अलग टाइप, तीन टाइप के रहते हैं, साइड आर्म, फ्रंट आर्म रहता है, फ्रंट रहता है, साइड रहता है, और मिक्स रहता है, कंबाइंड रहता है। उसमें अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से, या अलग अलग बॉडी का फोर्स मतलब उस पे स्पाइन पे एक्ट करता है। तो हर एक बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट बेसिक प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि उसमें रोटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रंट फुट लैंडिंग में थोड़ा सा नी बेंडिंग होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो एनालाइज करना है तो क्लिनिकली ऑन फील्ड कर सकते हो, या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है जिसको रिपीटेडली इंजुरीज हो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसको जैसे फास्ट बॉलर्स में, जैसे हम उसको लेबोरेटरी में लेके प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं और फोर्सेस का स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, और फिर हम वो फास्ट बॉलर को या फिर थ्रोअर को एक एक गाइड कर सकते हैं, साइंटिफिकली उसको हेल्प कर सकते हैं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो तुमको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन चेंज करना पड़ेगा, जो कुछ है वो उस हिसाब से उसको हम गाइड कर सकते हैं। सो बायोमैकेनिक्स इज बेसिकली इस स्पेसिफिक, अभी थ्रोइंग का भी बायोमैकेनिक्स होता है, जैसे आपको वाइंड अप है मतलब वो एक एक्शन लेना है, फिर एक्शन के बाद उसको एक थ्रोइंग एक स्पेसिफिक पोजिशन लेना है, पोजिशन के बाद आपको वो बॉल थ्रो करने के लिए स्पेसिफिक मूवमेंट होना चाहिए, और मतलब आपका थ्रो ऑप्टिमम वहां तक स्पीड से और आपके टारगेट तक पहुंचना चाहिए। ये सब चीजें हैं जिसमें मतलब थ्रोइंग का बायोमैकेनिक्स या एक बोलिंग का बायोमैकेनिक्स, ये डिटेल में स्टडी करना जरूरी होता है। और जैसे प्रिंसिपल्स बेसिक सेम अप्लाई होते हैं, हर एक का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है सर। जी सर, तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। जैसे कि अभी आपने बॉलर्स के लिए कहा कि किसी का जो लैंडिंग जो होता है साइड ऑन होता है, बट अपर बॉडी शुड बी फ्रंट ऑन होती है, तो मिस मैच एक्शन होने की वजह से जैसे रोटेशन वगैरह, हिप रोटेशन में वगैरह इंजरी पार्ट काफ़ी आ सकता है। तो ये बहुत ही आसानी से आपने उनको ये कर दिया सर। तो मैं एग्जैक्टली एक सर, बात, मैं जी सर प्लीज़। यस सर एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे आप एक्सपीरियंस कोच हो तो आपको ये पता है कि उसका बॉडी का अपर बॉडी का प्रोफाइल क्या है और लोअर बॉडी का प्रोफाइल क्या है, वो मिसमैच हो रहा है। इसको मैंने क्लिनिकली जो ऑन फील्ड मैंने असेसमेंट के बारे में आपको जो बताया, वही आपके सर आपकी जैसे एक्सपीरियंस कोच की वजह से हमको भी सीखने को मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये ऑब्जर्वेशन है जैसे आपने बताया वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके लिए ऑन फील्ड हम कुछ टेक्निकली उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली आपने बताया वो सही है, इसकी वजह से बहुत बोलर्स को प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसको ऑन फील्ड भी करेक्ट कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले मैं एक यही बात को थोड़ा सा आगे दोहराना चाहता हूँ, एक जानकारी चाहता हूँ कि जैसे यस कि सर मैच में बच्चे लोग आते हैं खेलते हैं, सर आज मेरा बैक दर्द हो रहा है, मेरा एंकल दर्द हो रहा है, मेरा नी पेन हो रहा है, या वॉट एम मेरा शोल्डर आज थोड़ा मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सर एक पेन किलर खा लेता हूँ, तो ये पेन किलर खाना कहाँ तक एप्लीकेबल है सर? सर बेसिकली क्या होता है, अभी क्रिकेटर्स या कोई स्पोर्ट्समैन हो जो ऑन फील्ड मतलब गेम में इन्वॉल्व है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको एक टेंशन रहता है कि मुझे अभी परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा खेलना है, मेरा एबिलिटी के हिसाब से अच्छा वहाँ पे मेरा गेम होना चाहिए, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, मुझे प्रूव भी करना है। और उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई इंजुरी होती है तो उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे पेन भी हो रहा है, मुझे परफॉर्म भी करना है, तो वो स्ट्रेस में क्या हो जाता है कि उसको मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरा पेन कम हो जाएगा तो मैं अच्छा खेल सकूंगा, तो वो फिजियो को पूछता है। फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑन फील्ड इज फिजियोथेरेपिस्ट, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टीम्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो पेन किलर और ये जैसे स्प्रे है या आइसिंग है वो ऑन फील्ड चल सकता है थोड़े टाइम के लिए, उस क्योंकि कोई कुछ भी आप करोगे, पेन किलर लोगे या फिर आइस करोगे, उसका लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए फायदा हो सकता है। अगर एकदम माइल्ड टाइप ऑफ इंजुरी है
या फिर माइल्ड स्प्रेन है, जैसे मैंने पहले बताया माइनर प्रॉब्लम है, तो वो चल सकता है, वो खेल सकता है। बट उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अगर कोई ऐसे डिमांड करता है ऑन फील्ड, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने तुरंत उसको ऑन फील्ड असेस करना जरूरी होता है। तो लगता है कि ये टेम्पररीली मैनेज हो सकता है और इंजुरी बढ़ने का चांस नहीं है और कुछ सीरियस इश्यूज से नहीं होने वाला है, तो टेम्पररीली वो ले सकता है, मैनेज कर सकता है। बट अगर गेम के बाद भी उसको तकलीफ रहती है, उसको कुछ मतलब स्प्रेन हो गया एंकल में या नी में, या फिर वो लंगड़ रहा है और वो फिर भी वैसे ही कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको ये समझाना चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम आपको डॉक्टर के पास जाके वो इंजुरी का एनालिसिस या क्लिनिकल एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। नहीं सर, ये थोड़ा बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि बच्चे लोग विदाउट मेडिकेशन या विदाउट नोइंगली बस किसी ने बोला ये पेन किलर है, मैं पेन किलर खा रहा हूँ। सर इसका एक रीज़न मैं जानना चाहता हूँ कि सर आज की तारीख में घर कितने बच्चे कोलैप्स हो गए, मेरे साथ कार्डियक अटैक से भी काफ़ी डेथ हो गई है ग्राउंड पे, तो सर ये कॉज हो सकता है इस चीज़ का? पेन किलर से यूजुअली एक्यूट ऐसा मतलब अभी मैंने पेन किलर खाया और तुरंत कॉम्प्लिकेशन हो गया, ऐसे नहीं होता है कॉमनली। जो आपने जो बोला वो कंडीशंस देखे जाते हैं बहुत सारे, हमने देखे रनर्स भी कोलैप्स हो गए, एक डॉक्टर की भी मौत हो गई थी वाइल्ड रनिंग एक बार अभी रिसेंटली, तो ये हो सकता है। पेन किलर खाना एक एक्यूट कंडीशन में, जैसे अभी मुझे पेन हो रहा है ऑन फील्ड हो रहा है, तो टेम्पररीली चल सकता है। बट वो उसकी आदत लगाना या रेगुलरली खाना, जैसे बहुत लंबे टाइम के लिए कोई खाता है 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो आदत नहीं लगानी है। और आपने जो बोला जो कोलैप्स होते हैं उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कोई डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, कोई गिर गया यस सर, उसने यस पानी नहीं पिया है, या फिर किसी को सर सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होना चाहिए सर कि जब भी ये बच्चे खेलना शुरू करते हैं, स्पेशली यंग किड्स 8 ईयर्स के अबव जो शुरू करते हैं यूजुअली, जो मैचेस भी खेलने जाते हैं, उनको कुछ तो मतलब एक इंतुजाजम रहता है करना है फील्ड पे, तो लेकिन उनका एक स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग वो स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी किसी को हार्ट के कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मतलब जन्म से ही हार्ट में कुछ वॉल का प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से हार्ट के फंक्शन को प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो सीरियस आपने मैटर बताया वो यूजुअली ऐसे बच्चों को होता है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को होता है जिनको ऑलरेडी हार्ट की पहले से ही बीमारी हो लेकिन उनको पता नहीं है ये, और सडनली हार्ट पे लोड आ गया और वो गिर गए। सर, अक्सर मैं देखता हूँ छोटे बच्चों में अस्थमा का प्रॉब्लम काफ़ी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उनको अगर हम लोग बोलते हैं थोड़ा फिटनेस करते हैं वर्कआउट करते, उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम उनका आना चालू हो जाता है, और उनके फैमिली वाले कोई उनकी हिस्ट्री बताते नहीं है बच्चों को अस्थमा या कुछ है, जब डायग्नोसिस करने के बाद में पता चलता है कि भाई इसको ये चीज़ है, तो यानी कि आपने जैसा स्क्रीनिंग बताया तो प्रॉपर मेडिकेशन होना ज़रूरी है सर। यस सर एब्सोल्युटली सर, वही तो आपके फिजिशियन को या फिर पीडियाट्रिशियन को जिनको ये हिस्ट्री पता है, आइडियली हम क्या कर सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको अगर खेलना है, जैसे स्विमर्स के लिए एक मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट हम मांगते हैं, बाबा आप ये सब लेके आओ तो ये आपको स्विमिंग करने को टैंक में अलाउ करेंगे, एब्सोल्युट वैसे एक स्क्रीनिंग एक बेसिक भी हो जाए, जैसे आपने अस्थमा का भी बताया कि वही हार्ट प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए हमको जरूरी है कि बाबा एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए आप, और फिर आपका बच्चा एक ज्वाइन कर सकता है क्लब, और उसको हम ट्रेनिंग या फिर धीरे धीरे उसका हम एक ये क्या बोलते हैं उसको, एक लोड बढ़ा सकते हैं उसके बॉडी पे जी और जी धीरे सर धीरे उसको ट्रेन कर सकते हैं। जी सर, सर ये सब जानने के बाद में इसको इंजरी प्रिवेंशन के लिए क्या करना जरूरी है सर? सर इंजुरी प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बहुत बोल रहा हूँ ये होता है इंजुरी वो होता है इंजुरी, जैसे आपने भी पूछा, लेकिन सबसे सर बड़ा इसमें मैं एक बात आपको रोकता हूँ इधर, इंजरी प्रिवेंशन तो मैं बाद में चलता हूँ सर, बॉडी वाटर लेवल ये बहुत मायने रखता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए और हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हम लोग लाइफ में जीते हैं, तो ये वाटर लेवल बॉडी डिहाइड्रेशन क्या चीज़ है सर, कैसे मीन्स उसको डायग्नोस करते हैं हम लोग सर और क्या करना एग्जैक्टली चाहिए? हाँ यस सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रेशन मतलब बॉडी में जो फ्लूइड रहता है उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, मतलब 80% बॉडी में फ्लूइड रहता है, मतलब वाटर जी कंटेंट रहता है, और वो बहुत जरूरी है बॉडी का बैलेंस, बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब बॉडी में जो प्रोसेस केमिकल प्रोसेसेस जो चलते हैं उसके लिए वाटर कंटेंट बहुत जरूरी होता है। उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वाटर, देन सोडियम एंड शुगर, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जी सर अभी ये डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट
कम हो जाता है, जैसे कोई धूप में खेल रहा है, ह्यूमिडिटी है बहुत, वहां पे गर्मी है, या फिर किसी ने गर्मी है पता है फिर भी किसी ने उसके परफॉर्मेंस के पहले, समझो 9 बजे उसका एक इवेंट मतलब मैच शुरू होने वाले, तो उसने 7 बजे से ही वो अपना हाइड्रेशन शुरू करना चाहिए आइडियली। अगर वो ऐसे नहीं करता है, प्रिकॉशंस नहीं लेता है और वो सोचता ही नहीं है हाइड्रेशन क्या है, तो क्या हो सकता है, सडनली वो धूप में खेल रहा है तो सडनली ह्यूमिडिटी ज्यादा है, स्वेटिंग ज्यादा हो गया, उसका रनिंग ज्यादा हो गया, एक्टिविटी ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से अपने बॉडी से फ्लूइड, उसके साथ सोडियम, ये सब बाहर निकल जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का वाटर कंटेंट कम होने की वजह से फटी, मतलब वो जो परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होता ही है 100%, मतलब उसको वीक लगने लगता है, फटीक लगने लगता है, उसका परफॉर्मेंस में उसको स्ट्रेंथ नहीं लगती है, बाबा अच्छा करने की एक जो इच्छा होती है अंदर से वो नहीं होती है, और ये तो फर्स्ट स्टेज में होता है, अगर सेकेंड लेवल पे गया तो वो ग्राउंड पे कोलैप्स भी हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब वाटर कंटेंट जो बॉडी में है उसको हमने अगर रिप्लेनिश बोलते हैं, मतलब उसको हम रिप्लेस नहीं किया ओवर द पीरियड थोड़ा थोड़ा करके, तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से परफॉर्मेंस भी कम होता है और वो बढ़ गया डिहाइड्रेशन, तो स्पोर्ट्स पर्सन लिटरली ग्राउंड पे कोलैप्स हो सकता है चक्कर आके। सर आज के तारीख में ये काफ़ी चल रहा है कि एनर्जी ड्रिंक्स, यस सर, जिसमें मेरे ख्याल से कैफीन होता है सर, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी प्रोडक्ट का, बट उसमें कैफीन होता है, तो ये प्लेयर को हार्मफुल है या इफेक्टिव है सर? सर वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत यंगस्टर्स आजकल ये सवाल हमेशा पूछते हैं, तो पहले मैं एक थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हमने कि बॉडी से वाटर जाता है बाहर निकलता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो बॉडी को वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो बोलेंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक। स्पोर्ट्स ड्रिंक अलग है, एनर्जी अलग है, दो अलग चीजें हैं, बहुत जरूरी है समझने के लिए, मतलब हर स्पोर्ट्समैन को ये पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बॉडी में जो वाटर कंटेंट बाहर निकला है, जो सोडियम बाहर निकला है, शुगर कम हो गई है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो ड्रिंक रहता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक, वो बहुत जरूरी है, वो सबको लेना पड़ेगा, सबको लेना चाहिए, नहीं तो हम क्या, जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बताया कि डिहाइड्रेशन से कोलैप्स हो सकता है, परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकता है, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक में ये सब आता है और वो जरूरी है। स्पोर्ट्स ड्रिंक मतलब आप घर में भी तैयार कर सकते हो, नींबू पानी है उसमें सोडियम या शुगर डाल के, मतलब एक पानी में ऐसा बना सकते हो, घर में भी बना सकते हो, लेकिन आपने जो एनर्जी ड्रिंक बताया जी वो आजकल एक बहुत नया फैशन आया है बच्चों में कि नाम लेना अच्छा नहीं है सबके सामने, बट बहुत सारे ऐसे मैं उसके बारे में एक प्रॉपर एक गाइड करना चाहता हूँ, जी उसमें कैफीन रहता है, शुगर भी रहता है, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे फायदे भी है और नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये है जैसे हम कॉफी पीते हैं, कॉफी में भी कैफीन है, तो कॉफी पीने के बाद बोलते तू अलर्ट हो जाएगा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तेरा काम करने का एक जो एक पॉजिटिव हो जाएगा, कंसंट्रेशन में फायदा हो जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगा, ये सब चीजें जो कैफीन की वजह से कॉफी की वजह से होती है वो ये स्पोर्ट्स ड्रिंक की वजह से होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक बार एक स्पोर्ट्स ड्रिंक का डिटेल पढ़ा, उसमें लिखा होता है सर कि आपको ये लेना है तो उसमें कैफीन कितना है, शुगर कितना है, नॉर्मली 75 to 80 grams ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ 75 to 80 mg ऑफ कैफीन रहता है हर एक स्पोर्ट्स ड्रिंक में, और उन्होंने उस पे स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको 250 ml एक कैन में रहता है, आपको दो कैन के ऊपर नहीं लेना है एक दिन में, तो उन्होंने ही ये मेंशन किया है कि आपको 500 ml के ऊपर 24 घंटे में नहीं लेना है, तो उन्होंने खुद ये बताया है, वार्निंग दिया है कि आपको ये नहीं लेना है, प्लस बच्चों को ये नहीं लेना चाहिए, बिलो 12 ईयर ये नहीं लेना चाहिए, देन प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेना चाहिए, तो ये प्रिकॉशंस उन्होंने खुद 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 ने ही उस पे प्रिंट किया रहता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर आपने उसका जो एक लेवल है उससे ज्यादा लिया तो आपको शायद वोमिटिंग हो सकता है, नौशिया जैसे हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कुछ भी गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, तो ये उसको लिमिटेड क्वांटिटी में कोई ले रहा है और उसको फायदा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिया और मेरा अभी परफॉर्मेंस आ गया, 9 बजे मुझे मैच खेलना है और मैंने वो पी लिया,
तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं होती है। अभी बहुत सारे एथलीट्स रहते हैं, ट्रायथलॉन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, उनको एक उनका एक सिस्टम रहता है, वो जो आप रूटीनली खा रहे हो या पी रहे हो, या स्पोर्ट्स ड्रिंक हो या एनर्जी ड्रिंक हो, वही आप रिपीट करो आपके मेन परफॉर्मेंस के पहले। आप नया एक्सपेरिमेंट मत करो। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, वो बाहर के कंट्री में परफॉर्म करने जाते हैं और वहां पे नया कुछ तो ड्रिंक मिल जाता है, जी और उसकी वजह से उनको ऑन फील्ड या रनिंग में या फिर साइकिलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये जो मेन आपका क्वेश्चन है, उसके आंसर की तरफ मैं आता हूँ फिर से, कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है उससे फायदा होता है, कैफीन रहता है, एक्टिविटी, मूड बनता है, अलर्टनेस बनता है, देन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फायदे है ये आपको। अगर फायदा दे रहा है तो ही लेना है उसको, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है, और उसकी एडिक्शन या आदत भी लग सकती है, तो उसके लिए आपको सोच के लेना पड़ेगा। तो खराब है ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसके फायदे हैं, लेकिन ये बाकी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि आपने बताया मूड बनने के लिए या कंसंट्रेशन होने के लिए, मेरे ख्याल से चॉकलेट भी तो काम कर सकता है सर। एक कैडबरी चॉकलेट या चॉकलेट मिल्क शेक, जो भी थोड़ा भी क्वांटिटी आप पी लेते हो तो मेरे ख्याल से उतना ही काम करता है वो भी। ये सर, अभी चॉकलेट और मिल्क शेक्स में क्या होता है सर, उसमें ग्लूकोज ज्यादा रहता है, शुगर ज्यादा रहता है, जी और उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके कंसेप्ट रहता है, जो शुगर लेवल तुरंत बढ़ाता है। जैसे कैडबरी है, आइसक्रीम है, मिल्क शेक्स है, इसमें क्या रहता है, शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है, जी फायदा होता है जिसको। कोई हम डायबिटिक पेशेंट को भी ऐसा बोलते कि आपके साथ एक चॉकलेट रखा करो, या फिर ऐसे कुछ शुगर, प्लेन शुगर भी आप रखा करो। तो जब भी किसी को गिडनेस आ रहा है, चक्कर आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, आप तुरंत खा लो, ऐसा ना हो कि आप वो शुगर सडनली कम हो गया और आप गिर जाओगे। तो ये ऑन फील्ड बहुत फायदा कर सकता है। डॉक्टर, इंजरी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या करना जरूरी है? जैसे कि जो सावधानियां बरतनी होती है जो इंजरी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर क्रिकेटर को या हर स्पोर्ट्स पर्सन को, अगर उसको उसका करियर बहुत लंबे तक कंटिन्यू करना है, बहुत मतलब ऊपर के लेवल पे खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये जरूरी है कि इंजुरी ना हो। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स आजकल आजकल बहुत फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर ट्रेनिंग शेड्यूल। जैसे एक गैप आ गया बीच में, एक रेनी सीजन के बाद आप शुरू कर रहे हो, या जैसे कोरोना पैंडेमिक हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप फिर से अगर खेलने जाते हो तो ये जरूरी है कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बराबर डिजाइन किया हो, आपके बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप लोड बॉडी पे बढ़ाना चाहते हो तो एवरी वीक थोड़ा थोड़ा, जैसे 10% से बढ़ाते जाइए, मतलब ओवर यूज, इंजुरीज ना हो, बॉडी वो लोड धीरे धीरे सस्टेन कर सके। अगर फटीग होता है, फटीग मतलब बॉडी में कमजोरी लगती है, या फिर किसी को बॉडी पेन होने लगता है, नींद नहीं आती, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बराबर डिजाइन होना चाहिए, आपको रेस्ट भी एडिक्वेट मिलनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ओवर यूज हो रहा है, ओवर लोड हो रहा है बॉडी पे, तो इंजुरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑन फील्ड फटीग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो भी इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकेंड इज बायोमैकेनिक। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी का बॉलिंग खराब है, थ्रोइंग एक्शन खराब है, तो वो जॉइंट पे, जैसे शोल्डर है या फिर बैक है, लोअर बैक है, या एंकल है, नी है, इस पे बहुत सारे स्ट्रेसेस ज्यादा आते हैं और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके कोच जो है उनके साथ डिस्कस करके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई कंडीशन होती है, जैसे पेन होता है किसी बॉडी पेन में, बॉडी पार्ट में एक क्रॉनिक पेन बोलते वैसे होने लगता है, या फिर वीकनेस आता है शोल्डर में जैसे, तो आप कोच के साथ डिस्कस करके, आपको एनालिसिस करके थोड़ा बायोमैकेनिक्स में, बोलिंग एक्शन में करेक्शन करना जरूरी होता है। तीसरा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि शोल्डर में रिदम लाना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, फिटनेस करते हैं, आप बहुत आजकल के यंगस्टर्स जिम में जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बहुत लोग योगा करते हैं, ये जरूरी है बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा जरूरी है, मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम भी जाना जरूरी है, पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जैसे शोल्डर में रिदम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोर में, कोर मसल्स जैसे पहले हमने डिस्कस किया, उसमें स्टेबिलिटी, बैलेंस आना जरूरी होता है, और हिप में, हिप मसल्स है, उसमें स्ट्रेंथ आना जरूरी होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर में रिदम, कोर में स्टेबिलिटी,
और हिप में स्ट्रेंथ। जी और जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सब मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं। अभी एक देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मतलब मैं अगर फास्ट बॉलर हूं तो मेरा डिमांड क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से मुझे जिम में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे स्ट्रेचिंग भी करना पड़ेगा, मेरा स्टैमिना भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है, सब लोग एक जैसा ही एक्सरसाइज करते हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ कि हमारे जो फ्रंट साइड के मसल्स और बैक साइड के मसल, जैसे मैंने पहले भी बताया बैक साइड के मसल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ फ्रंट साइड के मसल से ज्यादा एक स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम उसको एक्सटर्नल रोटेटर्स बोलते हैं, बैक के जी मसल्स रहते हैं, हिप के मसल्स। तो ये जरूरी है कि आप वो मसल्स का एक्सरसाइज जो है, स्ट्रेचिंग है, ट्रेनिंग है, ये सिस्टमेटिकली और प्रॉपर साइंटिफिक वे से करेंगे तो इंजरी प्रिवेंशन के लिए काफी मदद हो सकती है। सर, राइस करके भी कोई एक प्रिवेंशन में बताता आपका RICED? यस सर, एक प्रोटोकॉल रहता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्रेड वन ग्रेड टू इंजुरीज है, जैसे ऑन फील्ड इंजुरी हो गया या कोई प्रैक्टिस सेशन में भी किसी को जैसे एंकल स्प्रेन हो गया, एंकल लिगामेंट इंजुरी हो गया, तो हम पहले तो ऑफकोर्स उसको क्लिनिकली असेस करते कि मेजर है माइनर है। अगर माइनर इंजुरी है तो देर इज वन ट्रीटमेंट फॉर्मूला, हम बोलते हैं उसको प्राइस, PRICE। ये बहुत जरूरी होता है, जब भी कोई सेशन रहता है तो बच्चों को मैं बताते रहता हूँ कि ये आप जी याद बिल्कुल रखो। कोई पेशेंट भी आता है बच्चा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आता है, तो मतलब ये तुम्हें याद होना चाहिए, तुम रोटी के बाद क्या खाते हो, राइस खाते हो, तो तुमको राइस पता होना चाहिए। सो राइस को एक्चुअली मॉडिफाई किया गया प्राइस, PRICE। पी इज प्रोटेक्शन, समझो एंकल स्प्रेन का ही एग्जाम्पल लेंगे, चोट तो कहाँ पे भी हो सकती है, शोल्डर में भी आ सकते हैं, रिस्ट में भी आ सकते हैं, नी में भी आ सकते हैं, बट प्रोटोकॉल हम वो जो ट्रीटमेंट फॉर्मूला में उसको सेट करने की कोशिश करेंगे, उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पी इज प्रोटेक्शन, जैसे एंकल को समझो लिगामेंट इंजरी हो गया तो हम उसको एक कुछ तो सपोर्ट दे सकते हैं, ऑन फील्ड कुछ अवेलेबल नहीं है, स्प्लिंटेज कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट है उसके पास कुछ स्प्लिंट्स है या ब्रेसिस है तो वो टेम्पररी लगा सकते हैं, उसको बोलेंगे प्रोटेक्शन। मतलब वो पार्ट को हम एक सपोर्ट देंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट, जैसे टाई कर सकते हैं, क्रे बैंडेज से टाई कर सकते हैं। सो पी इज प्रोटेक्शन टू दी इंजर्ड पार्ट, ओके, दैट इज पी। पी के बाद आता है आर, आर इज रेस्ट टू दैट पार्ट। आपने उसको सपोर्ट तो दे दिया लेकिन उसको, जैसे एंकल स्प्रेन हम कंसिडर कर रहे थे, उसको चलना नहीं है, उसको आराम करना है, तो उसको रेस्ट लेना है, पैर पे वेट नहीं देना है, वजन नहीं देना है, दैट इज रेस्ट। उसके बाद आता है आई, आई फॉर ऑलवेज आइस। आइस एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है जैसे हम गिरते हैं तो माइनर वेसल्स रहते हैं वहां पे टिश्यूज में, माइनर ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, उसको भी इंजरी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और वो ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से स्वेलिंग आ जाता है। तो स्वेलिंग आ जाता है बेसिकली, जब भी हमको इंजरी होता है तो फर्स्ट इज ऑलवेज पेन एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग तुरंत आ जाता है बहुत बार। तो स्वेलिंग कम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड देन कॉम्प्रेशन, मतलब क्रेप बैंडेज, बट आइस लगाना जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ट्रेडिशनली पहले बहुत लोग बताते थे कि हल्दी लगाइए, गरम सिकाई कीजिए, मालिश मसाज कीजिए, वो सब गलत है, वो आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। एक याद रखना है कि कभी भी चोट लगती है तो मालिश मसाज, गरम सिकाई और ऑइंटमेंट नहीं करना है। स्प्रे ऑन फील्ड टेम्पररी चल सकता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मालिश मसाज नहीं करना है। आइस से क्या होता है, वहां का लोकल टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और ब्लड का वहां पे सर्कुलेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरा कम बंद नहीं होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इस उसकी वजह से स्वेलिंग कम होने में और पेन भी कम होने में काफी मदद आती है। सो आर आई, आई के बाद सी इज कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या है, बहुत बार ऐसा भी होता है, मुझे भी, मैं एक बार शिवाजी पार्क जिमखाना में मैच खेल रहा था, मुझे एक बॉल चोट लगी है, तो एक बाजू वाला एक फील्डर आया, उसने वो मैच खेल रहा था और तुरंत मसाज करने लगा, मैं बोला भैया हाँ। तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है उसमें, मतलब हमको पता नहीं रहता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है, बट जब भी कुछ चोट लगती है तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये करते हैं, रब करते हैं, मसाज करते हैं, वो गलत होता है, आपको वहां पे कॉम्प्रेशन देना होता है। कॉम्प्रेशन से क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग और नहीं बढ़ता, रब करने की वजह से लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्वेलिंग बढ़ सकता है, तो आपको मालिश मसाज नहीं करना है, हॉट फोमेंटेशन भी नहीं करना है। सो कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ई इज लास्ट इज एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि एंकल इंजरी हो गया तो उसको क्या करना है कि एक तो प्रोटेक्शन भी देना है, रेस्ट भी देना है, आइस भी लगाना है, क्रेप बैंडेज से उसको टाई करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रेशन दे भी देना है, और उसको क्या करना है, रेस्ट के टाइम
उसको जब भी वो लेटेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेटेगा, मतलब सुपाइन पोजीशन में हम बोलते हैं, तो पैर के नीचे दो पिलो रखे, उसको अपना जो बॉडी पार्ट है, जैसे रिस्ट हो या हैंड एल्बो हो, तो बॉडी पार्ट जो है, जो इन्वॉल्व बॉडी पार्ट है, तो वो हार्ट लेवल के ऊपर रखना है, सो दैट वो स्वेलिंग कम हो जाता है. सो यस दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. पी इज प्रोटेक्शन, आर इज रेस्ट टू दैट बॉडी पार्ट, आई इज ओनली आइस एप्लीकेशन, दिन में 6 बार 8 बार भी आप लगा सकते हो, 10 से 15 मिनट ऐसे. देन सी इज कॉम्प्रेशन विद क्रेप बैंडेज, नो रबिंग. एंड ई इज एलिवेशन टू द बॉडी पार्ट. ये बेसिक फॉर्मूला है और हर स्पोर्ट्स पर्सन को ये पता होना चाहिए. सर, आजकल देखा जाता है क्या, बच्चे लोग बोलते हैं मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया है। मीन्स बायोमैकेनिक्स में भी टेनिस एल्बो, ये वर्ड जो हम लोग तो पहले सोचते हैं कि टेनिस रैकेट का वगैरह कुछ है, तो ये क्या चीज़ है सर? बच्चों को मैं मीन्स बताना चाहता हूँ कि आपके जरिए कि ये टेनिस एल्बो क्या इंजुरी होती है। यस सर, टेनिस एल्बो जैसे नाम सजेस्ट करता है, टेनिस एल्बो मतलब वो लॉन टेनिस प्लेयर में पहले देखा गया था. और वो क्यों ऐसा हुआ था कि उसमें बैकहैंड जो टेक्निक होता है लॉन टेनिस में, बैकहैंड वो अगर गलत है, उसका शोल्डर अगर वीक है, उसका रैकेट होल्डिंग करने का या रैकेट हेवी है, तो उसकी वजह से उसके एल्बो पे स्ट्रेस आ जाते हैं और उसकी वजह से टेनिस एल्बो होता है. इसलिए वो नाम है टेनिस एल्बो. बट ये क्रिकेटर्स में भी बहुत कॉमन है, जैसे बैट्समैन है, जैसे हम सबको पता है सचिन तेंदुलकर को जी टेनिस एल्बो की बिल्कुल बहुत सर, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी और वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक उसको पेन था. उसने सर्जरी भी करा के लिया, फिर इंजेक्शन भी, बहुत सारा हो गया था. मतलब ये किसी भी हाई प्रोफाइल एथलीट को भी हो सकता है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब इट इज नॉट कि आपका सिर्फ ओके. तो टेनिस एल्बो क्या होता है, जैसे एल्बो में क्रॉनिक पेन होने लगता है. अभी जी इसके रीजंस रीजंस फर्स्ट ये होता है कि आपका बैट जरूरत से ज्यादा हेवी है. अगर कोई जी बच्चा है, उसको हेवी बैट दे दिया, तो उसको प्रॉब्लम होना ही होना है. तो दैट पर्सन, दैट क्रिकेटर हैज टू बी कंफर्टेबल. और जैसे कि अगर सर मैं राइट हमारे हैंड, मास्टर ब्लास्टर सचिन सर का भी यही प्रॉब्लम रहा, क्योंकि उनकी बैट काफी हेवी हुआ करती थी। और यस सर, यस सर, यस सर, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेस. इसलिए अगर हम बैट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट बैट्समैन है तो वो बैट सिलेक्ट कर रहा है, तो उसको ये देखना जरूरी है कि वो उसको जो उसका वेट है वो एडिक्वेट है कि नहीं उसके लिए. उसको थोड़ा एक्शन करके देखना चाहिए कि उसको एल्बो पे स्ट्रेस आ रहा है क्या, उसके शोल्डर पे स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं. तो ये वेट ऑफ द बैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा एक जरूरी है कि आपका शोल्डर स्ट्रेंथ, मुझे लगता है ये पार्ट थोड़ा निग्लेक्टेड होता है उसमें, क्योंकि जी बहुत लोग ये शोल्डर के बारे में सोचते नहीं है. होता कैसा है कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो उसका डोमिनेंट हैंड फॉर अ बैट्समैन इज लेफ्ट साइड. तो यूजुअली राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट एल्बो का पेन हो जाता है, लेफ्ट साइड पे टेनिस एल्बो हो जाता है. तो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली शोल्डर स्ट्रेंथ. जैसे मैंने पहले भी बताया और फिर भी मैं और स्ट्रेस कर रहा हूँ कि शोल्डर का जो एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेंथ बोलते हैं, मतलब बैक साइड जी के मसल्स है, वो स्ट्रांग होने चाहिए. अगर वो वीक है, तो भी क्या हो जाता है कि आपका जो आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब एक स्ट्रोक खेल रहे हो, तो रिपीटेडली आप खेलते हो, नेट्स में भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका अगर शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स आपके वीक है, मतलब इन जनरल शोल्डर आपका वीक है, तो एल्बो पे ज्यादा स्ट्रेसेस आते हैं और उसकी वजह से ओवर. और यूजुअली ये देखा जाता है थोड़े से सीनियर प्लेयर्स में, जैसे 30 35 के बाद, क्योंकि एजिंग की वजह से थोड़ा सा टिश्यूज में डीजनरेशन होता है, थोड़े से उसको हम माइक्रो टेयर बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा घिसाव ज्यादा हो जाता है एज के हिसाब से. इसलिए थोड़ा 30+ एज के लोगों में, स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा देखा जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब एक कोई ऐसा रीजन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसमें रहती है. सो बैट तो लाइट वेट लेना चाहिए, लेकिन उसका शोल्डर स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, उसका स्टांस बराबर, ऑल दिस थिंग्स. स्पेशली कोच, जैसे सीनियर कोच, आप जैसे लोग एक बैट्समैन को उसको गाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है. सर, ये सब होते हुए जैसे प्रिवेंशन के बारे में हमने बात की, प्रिवेंशन हो गया, तो सर्जरी किस स्टेज पे जरूरी होता है? किस स्टेज पे जाने के बाद आप मीन्स डायग्नोस करते हैं कि भाई इसको सर्जरी की जरूरी है? सर ये बहुत जरूरी है, हर स्पोर्ट्समैन को ये पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी को इंजरी होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 जी एकदम माइल्ड टाइप होता है, ग्रेड 2 मॉडरेट मतलब बीच वाला होता है, एंड ग्रेड 3 इंजरी मतलब थोड़ा सीरियस इंजरी हो जाता है, जैसे पूरा लिगामेंट फटना, जैसे नी में, घुटने में होता है, ACL करके एक लिगामेंट रहता है, वो पूरा जैसे ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से वो पूरा फट जाता है. सो ग्रेड 3 इंजरी हो जाता है, मतलब पूरा लिगामेंट टेयर हो गया.
और उसकी वजह से उसको सिम्टम्स आते हैं, जैसे नी में, जैसे मैंने बोला कि एसीएल लिगामेंट अगर जाता है तो उसको इंस्टेबिलिटी, वो तो घुटने का बैलेंस पूरा खराब हो जाता है, वो उसको बोलते हैं ग्रेड थ्री इंजुरी। शोल्डर में भी ऐसे होता है कि डिसलोकेशन के बाद या कोई रोटेटर कफ करके एक मसल रहता है उसको, वो फट गया तो उसको ग्रेड थ्री इंजुरीज में क्या होता है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा रहते हैं और वो स्पोर्ट्स पर्सन यूजुअली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको पेन हो जाता है, उसको शोल्डर वीक लगने लगता है, नी में इम्बैलेंस हो जाता है। मैं शोल्डर और नी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो जॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे हमने जिसपे सर्जरी का ज्यादा जरूरत पड़ता है, जैसे शोल्डर सर्जरीज एंड नी सर्जरीज आर वेरी कॉमन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो ग्रेड थ्री इंजुरीज है पेशेंट को या क्रिकेटर को या स्पोर्ट्स पर्सन को, सिम्टम्स है उसका, तकलीफ हो रहा है तो वो सर्जरी करना जरूरी होता है। यूजुअली हम ये आजकल ये आर्थ्रोस्कोपी से, मतलब जॉइंट में टेलीस्कोप डाल के वो टीवी पे स्क्रीन पे दिखता है पूरा ऑपरेशन, उसको टेलीस्कोपिक या आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो इन जनरल ग्रेड थ्री इंजुरीज, सीवियर इंजुरीज जहाँ पे सिम्टम्स है, मतलब शोल्डर में अगर कफ टेयर, रोटेटर कफ करके मसल रहता है वो टेयर हो गया, नी में एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट एसीएल टेयर हो गया, अगर उसको तकलीफ ज्यादा है, बैलेंस नहीं है, तो एक फाइनल सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ सर्जरी। ये आर्थ्रोस्कोपी करते हैं आप लोग, तो इसके बाद में तो प्लेयर का जो कमबैक का टाइम होता है, वापसी का टाइम बोलो या रिहैबिलिटेशन बोलो आप, ये कितना ड्यूरेशन जाता है सर? और ये सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। सर इंजुरीज अगर होता है तो हम यूजुअली क्या देखते हैं कि पेशेंट को स्ट्रक्चरल, मतलब उसको ग्रेड टू, ग्रेड वन या ग्रेड थ्री इंजुरी होगी, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है मतलब ग्रेड थ्री इंजुरी हो जाता है। बट यूजुअली वी डोंट थिंक अबाउट इमोशनल फैक्टर, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमोशनल इंजुरी भी हो जाता है एनी स्पोर्ट्स पर्सन को, बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें रहते हैं, बट नाउ वी विल फोकस ऑन स्ट्रक्चरल इंजुरी। जैसे जैसे मैंने अभी बताया ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज नी पे होता है, शोल्डर पे होता है। अभी ये डिपेंड्स कि क्या सर्जरी हो चुका है। जैसे कॉमनली क्या होता है, शोल्डर में डिसलोकेशन मतलब इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं हम लोग, वो जो अंदर का लेब्रम करके रहता है वो फट जाता है, दैट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन शोल्डर। तो उसको हम क्या करते हैं, आर्थ्रोस्कोप डाल के मतलब जॉइंट में टेलीस्कोप डाल के उसको रिपेयर कर देते हैं। ये शोल्डर का हुआ। शोल्डर में यूजुअली क्या होता है कि हम एक अराउंड 3 to 4 weeks तक रेस्ट देते हैं, ग्रेजुअली उसका मूवमेंट शुरू कर देते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। एंड अगर प्रोफेशनल एथलीट है, जैसे बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया कि एथलीट्स जैसे स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेटर है प्रोफेशनली, तो वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, उनको जल्दी आना होता है वापस गेम में और वो डेडिकेटेडली अच्छा रिहैब भी करते हैं। बट मिनिमम 3 to 4 months एक नेट प्रैक्टिस मतलब एक प्रैक्टिस सेशन में जाने के लिए लगता है इन शोल्डर। और अच्छा अगर उनको ऊपर के लेवल पे, रणजी लेवल पे जाना है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, आईपीएल जैसे लेवल पे जाना है, तो उनको एक अराउंड 6 months लगता है शोल्डर के लिए। बट उसके पहले ये जरूरी है कि वो प्रॉपर अर्ली रेस्ट ले, देन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करे, बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे, और जो लास्ट 3 months है वो प्रॉपर डेडिकेटेडली एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस करे और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करे। वो बहुत जरूरी है, जो मेरा डिमांड है, अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा, मैं अगर स्पिनर हूँ तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये मेरे डिमांड्स देख के वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन कंप्लीट हो गया, तो वो अराउंड 6 months के आसपास शोल्डर के लिए मतलब वो ओवरहेड थ्रोइंग या बॉलिंग एक्शन कर सकता है। नी के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 months to 12 months लगता है, अगेन सेम इनिशियली सर्जरी के बाद थोड़ा सा एक फेज रहता है जहाँ पे रेस्ट देना पड़ता है, एंड ग्रेजुअली रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होता है स्लोली, एंड देन एट द एंड ऑफ 3 to 4 months अगेन स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। मतलब रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो रहता है वो एक प्रॉपरली डिजाइंड डिपेंडिंग अपॉन उसके डिमांड्स क्या है स्पोर्ट्स पर्सन का होना चाहिए। सो अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 months नी सर्जरी के बाद स्पोर्ट्स पर्सन को लगता है वापस एक अच्छा लेवल पे परफॉर्म या खेलने के लिए, और शोल्डर के बाद भी अप्रोक्सीमेट 9 months तक लगता है। सर एक कॉमन इंजरी पाई जाती है स्पोर्ट्समैन लोगों के, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर, जैसे कैच पकड़ते वक्त फिंगर पे लग जाना, तो उसको हीलिंग के लिए नेचुरल हीलिंग हो जाता है या टाइम जाता है सर उसके लिए मेडिकेशन कुछ होता है आप लोगों का? सर ये आज जैसे आपने बताया जो फिंगर इंजुरीज, दे आर वेरी कॉमन इन स्पेशली विकेट कीपर्स। मुझे बिकॉज आई एम एट डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के स्पेशली विकेट कीपर्स के हाथ एग्जामिन करने का चांस मिला, तो मैंने जो जिनका भी हाथ आज तक देखा स्पोर्ट्स पर्सन का, मतलब स्पेशली विकेट कीपर्स का, तो उनके ऑल फिंगर्स आर डिफॉर्म, लाइक उसको मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी का भी रैंडमली आप फिंगर चेक करोगे तो आप टीम में एक या दो लोगों के तो फिंगर फ्रैक्चर होते ही है, बिकॉज इम्पैक्ट फास्ट रहता है, जैसे स्लिप में खड़े होना, विकेट कीपिंग करना, या फिर इवन बाउंड्री लाइन पे। आजकल तो बिल्कुल देखते कि बहुत सारे मतलब लोग इतने उसमें डेडिकेटेडली फील्डिंग में मतलब एक जान लगा के वहां पे प्रैक्टिस करते हैं और चांसेस लेने की कोशिश करते, उसकी वजह से फिंगर इंजुरीज आर वेरी कॉमन। तो अभी उसमें भी हम डिवाइड करते हैं कि माइनर एंड मेजर इंजुरी। अगर माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो यूजुअली 10 days to 2 weeks तक उसको थोड़ा सा पेन स्वेलिंग रहता है, तो यहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर माइनर है तो फिजियोथेरेपिस्ट पहले उसको असेस करता है, फिर एक्सरे करके देखता है। अगर वो माइनर है, हेयरलाइन है, ऐसे नहीं लग रहा है कि जॉइंट में है, या फिर मतलब उसका कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं, अच्छा हीलिंग होने का चांस अच्छा है, तो वो स्ट्रैपिंग करके भी उसको टेम्परली ट्रीट कर सकता है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज, एक मैंने बहुत प्रोफेशनल एथलीट्स को भी ऑब्जर्व किया, क्रिकेटर्स को भी, तो वो जरूरी होती है कि आपको ये फिर छुपाना नहीं है कभी भी, कोई भी इंजुरी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि माइनर इंजुरी है इसलिए थोड़ा सा एक चांस लेते हैं, चलो क्या होता है मैं ऐसे ही खेलूंगा, पर ये थोड़ा सा गलत अप्रोच होता है। तो आपको पहले फिजियो के साथ डिस्कस करना है, देन आपके टीम के कैप्टन को बताना है। कभी कभी कैप्टन भी प्रेशराइज करता है कि नहीं नहीं तू खेलना जरूरी है, कल का मैच इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये माइनर इंजुरी है, इससे और कुछ नहीं बढ़ने वाला, तो वहां पे चांस ले सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियसली। बट आप फिंगर स्ट्रैपिंग कर सकते हो, स्पेशली फोर्थ फिफ्थ फिंगर को इंजरीज बहुत कॉमनली होती है, तो वहां पे आप स्ट्रैपिंग करके खेल सकते हो, चांस ले सकते हो। अगर मेजर फ्रैक्चर है, जैसे बहुत बार जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट तक जाता है, बोन इन्वॉल्व होता है लेकिन वो बोन जॉइंट में जाता है, जॉइंट मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये थोड़ा सीरियस टाइप ऑफ मतलब मेजर टाइप ऑफ इंजरी होता है, तो वहां पे आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल है कि तभी एक्सरे करे उसको, जो इंजुरी है उसको प्रॉपरली एनालिसिस करके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, अगर ऑपरेशन का जरूरत है तो ऑपरेशन करे, या फिर जो 3 weeks 4 weeks जो उसका स्प्लिंटेज है, ब्रेसिस है, वो दे के उसको प्रॉपरली ट्रीट करे। सर, ये तो बहुत काफ़ी कॉमन और इंजरी बताया आपने, पर काफ़ी अच्छी जानकारी थी। सर, इसमें मैं एक सवाल आपको आने ये पूछना चाहता हूँ। अभी के हाल ही में आईपीएल चालू, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया सर। देखो T20 गेम फॉर्मेट इज अ चेंज, सो यस प्लेयर सर का भी फॉर्मेट होता है। जैसे अश्विन की इंजरी हुई थी, बॉलिंग उसको बॉलिंग ड्यूरिंग बॉलिंग वो बॉल रुकाने गया और शोल्डर का उसका पर। बट सर, ये कैसा इतना जल्दी रिकवरी हो जाती है? 2 वीक में 3 वीक में तीसरे मैच में फिर से आ गया। ये तो सब आप ही लोग मास्टर होते हो जो उनको बना के लेके आते हो सर। तो ये क्या ऐसी ट्रीटमेंट होगी या क्या किया होगा उसने, थोड़ा उसके बारे में मैं। यस सर यूजुअली क्या होता है कि माइनर स्प्रेन है, जैसे ऑन फील्ड बहुत हो जाता है, बहुत बार हो जाता है, जैसे कोई डाइविंग हो जाता है ऑन मतलब जी बाउंड्री लाइन पे बॉल रोकने के लिए, या फिर बोलिंग एक्शन में कुछ हो जाता है, तो या फिर वो स्प्रेन हो जाता है, जैसे हम स्प्रेन या स्ट्रेन बोलते हैं, जैसे किसी का जी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है तो फिजियो तुरंत आ जाता है और वो एनालिसिस करता है। तो अगर एकदम माइल्ड है, जैसे ग्रेड 1 है, तो टेम्पररीली हम उनको एक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके, आइसिंग करके, स्प्रे लगा के, ऑन फील्ड इवेल्युएशन करके उनको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो माइल्ड है और वो बेसिकली एथलीट जो क्रिकेटर है, जैसे अश्विन आपने बोला, कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी बॉलर है, तो उसका एक माइंड सेट होना मतलब वो देखना जरूरी है कि वो सिचुएशन में वो बॉलिंग कर सकेगा कि नहीं। ऐसा भी रिसेंटली अभी एक आईपीएल के मैच में हो गया कि वो बॉलर को इवन 18th 19th ओवर चल रहा था और उसको बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग पुल वो फील्ड छोड़ना पड़ा, वो 3 बार बॉलिंग एक्शन में आ गया और फिर उसको हैमस्ट्रिंग की वजह से इतना सिवियर पेन होने लगा कि उसको रुकना पड़ा, और उसके बाद किसी और बॉलर ने, ये ऐसा बहुत बार हमने देखा है। तो बेसिकली क्या कितना सिवियरिटी है इंजुरी का, माइल्ड है तो आप कर सकते हो, और आपका ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट फिजियो बाद में ऑफ द मैच खत्म होने के बाद कर सकता है, बट मॉडरेट टू सीवियर है। हमने बताया कि अगर वो ग्रेड 2 टेयर है और आपने एक्टिविटी कंटिन्यू किया तो पार्शल टेयर का मतलब ग्रेड 2 का ग्रेड 3 भी हो सकता है, तो इसीलिए अगर माइल्ड है तो यस, स्प्रेन है, माइल्ड है तो आप मैनेज कर सकते हो। जी सर, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने हमारे व्यूवर्स को। बट मैं इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बहुत एक स्पेशल पार्ट में इंट्रोडक्शन में आपका नहीं बताया सर, क्योंकि आप सभी एक ही वक्त बता दो तो मज़ा नहीं आएगा सब पन्ने खुलने में। एक तो स्पेशली आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हो सर,
उसमें आप मास्टर हो स्पोर्ट्समैन के बारे में, उनकी जो आप उनको मेंटली यस आप, क्योंकि ये तो फिजिकली आपने बात की है, अभी इसके बारे में सबके बाद में इम्पोर्टेंट बात होती है मेंटली टफनेस सर। तो मैं सर ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या क्या रोल है आपका इसमें, आप क्या करते हो सर? सर, स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अनफॉर्चुनेटली आपने जो सीनियर क्रिकेटर्स ने, वो लोगों ने कभी ओपनली ऐसा प्लेटफॉर्म के किसी को, हमारे जनरेशन को भी या फिर अभी के जनरेशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया या उस पर स्ट्रेस नहीं दिया। बट मैं एक थोड़ा सा उसको डिटेल में बात करना चाहूंगा सर आपके साथ। जी अगर बिल्कुल किसी को स्पोर्ट्स पर्सन को, जैसे आप को, सीनियर कोच हो, आपने भी देखा रहेगा, आपको भी ये सब पता है एक्चुअली, बट मैं व्यूअर्स के लिए फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को परफॉर्म करना, उसका ड्रीम क्या रहता है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम क्या है, एक हाईएस्ट लेवल पे कंसिस्टेंटली खेलना, जैसे इंडिया के लिए खेलना है या किसी अच्छे टूर्नामेंट में आईपीएल के लिए खेलना है, वो कंसिस्टेंटली खेलना है। तो वो एक हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम रहता है। तो अभी हमें क्या चाहिए उसके लिए, क्या टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ये तो बहुत बार नेचुरली भी रहता है, लेकिन हम डेवलप भी कर सकते हैं और दी जी प्रॉपर एक अच्छा कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग की मदद लेके, कोच की मदद लेके, ट्रेनिंग लेके हम कर सकते हैं। दूसरा होता है गेम, आपको प्लान करना है, स्ट्रेटेजीज करना है, वो भी आप ओवर द पीरियड मैचेस खेल खेल के सीख जाते हो। थर्ड इज फिजिकल फिटनेस। जैसे यंग जनरेशन में विराट कोहली की वजह से आजकल सबको पता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो खुद इतने मेहनत लेता है, तो उसकी वजह से एक सब पूरे इंडिया को मैसेज मिल गया कि आपको फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि उसको लंबे टाइम तक खेलना है, उसका फिटनेस उसको अच्छा रखेगा तो ही वो ज्यादा खेल सकेगा और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेगा अपने कंट्री के लिए, ये तीसरी चीज। बट मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कोचिंग में भी है, जो रणजी ट्रॉफी आईपीएल लेवल पे भी खेलते हैं, उनके साथ डिस्कस किया, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये उनका भी एक रिएक्शन ऐसे आया कि ये हम नहीं करते हैं और ये हमको करना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट है। बट जैसे आपने अच्छे क्रिकेटर है, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो इतना ऊपर के लेवल पे था, उसका मेंटल स्ट्रेंथ और उसका थिंकिंग का एबिलिटी, कि उसको ये समझ में आता था कि ये नेक्स्ट बॉलर नेक्स्ट बॉल क्या डालने वाला है, मुझे यॉर्कर डालने वाला है कि बाउंसर डालने वाला है, ये ऑलमोस्ट मुझे एक मेरे एक फ्रेंड ने बताया, वो सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन तेंदुलकर वॉज एट द नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और जैसे फील्ड प्लेसिंग, उसका बॉलर का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उसका थिंक, उसकी तरफ देख के सचिन को एक आइडिया ऑलरेडी आ गया था कि ये बॉलर अभी यॉर्कर डालने वाला है, तो उसने बताया कि अभी यॉर्कर आने का चांस है, तो वो बैट्समैन ऑलरेडी रेडी था, उसको पता था कि सचिन ने बोल दिया मतलब इट इज लाइक अ रूल, इट इज यू नो इट इज 100% चांस है कि वही हो, 99% एटलीस्ट, तो वो ऑलरेडी आगे था और उसने फुल टॉस लेके फेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से उसको बाउंड्री कर दिया। तो ये थिंकिंग एबिलिटी है, ये जो जो सीनियर प्लेयर्स है वो लोगों ने खुद का डेवलप किया है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसको कूल काम के सक्सेसफुल कैप्टन बोला जाता है, तो ये उसका खुद का एक टेक्निक है, सचिन तेंदुलकर का खुद का टेक्निक है। इसमें सुनील गावस्कर, जैसे राहुल द्रविड़ तो ऐसे बोलते हैं, वो स्टूडियो स्टूडेंट की तरह था, वो तो मेडिटेशन योगा वो बहुत करता था, तो ये जो लोग है इन्होंने ये सब फॉलो किया है, बट जी अनफॉर्चुनेटली जो यंगस्टर्स है उनको ये पता नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब ये मेंटल ट्रेनिंग है वो करना जरूरी है।